हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेज के बारे में। ऑन 8 मई 2020 सेंट्रल से एक नोटिफिकेशन आए हैं मिनिमम वेज के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे मिनिमम वेज एक्ट क्या है, आप अपना मिनिमम वेज कैसे निकालेंगे, आपके इंडस्ट्री किस फेयर में आएगा, स्टेट फेयर में या सेंट्रल फेयर में, किस कैटेगरी के हिसाब से, किस स्किल लेवल के हिसाब से मिनिमम वेज लगती है, क्या एनजीओ पर मिनिमम वेज लगती है, टीचर्स पर मिनिमम वेज लगती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिंदिता एंड यू आर वाचिंग निटिग्रिटी। आज हम बताएंगे मिनिमम वेज क्या है, आप अपना मिनिमम वेज कैसे चेक करेंगे, सेंट्रल मिनिमम वेज नोटिफिकेशन 186E एंड सेंट्रल मिनिमम वेज के बारे में। मिनिमम वेज एक्ट 1948 क्या है? मिनिमम वेज एक्ट 1948 पार्लियामेंट की एक एक्ट है जो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए एक सर्टेन अमाउंट निर्धारित करता है टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। मिनिमम वेज जानने के लिए आपको 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्टर या इंडस्ट्रीज, डेजिग्नेशन, स्किल लेवल या कैटेगरी, जोन या एरिया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आपके एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट की लगेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की लगेगी। रेलवेज, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, मेजर पोर्ट्स, माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक ONGC, IRCTC और भी जो अंडरटेकिंग्स पब्लिक सेक्टर है, एस्टेब्लिशमेंट्स जिसके अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस है, ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारे इंडस्ट्रीज में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम वेज लगेगी। ये छोड़ के बाकी सारे में स्टेट गवर्नमेंट की मिनिमम वेज लगेगी। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है कोई स्टेट में और वो काम स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की मिनिमम वेज लगेगी। जो भी सारे इंडस्ट्रीज के बारे में बताए वो इंडस्ट्रीज छोड़ के अगर कोई इंडस्ट्री स्टेट के अंदर ही काम करते हैं उसमें स्टेट की मिनिमम वेज लगेगी। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स में भी स्टेट की मिनिमम वेज लगेगी। इंडस्ट्रीज और सेक्टर, आप कहाँ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, एग्रीकल्चर में, माइंस, सिक्योरिटी सर्विसेज में, फैक्ट्री में, यहाँ पे स्टेट या सेंट्रल मिनिमम वेज डिसाइड करते हैं सेक्टर वाइज। कुछ सेक्टर्स में मिनिमम वेज लागू नहीं होते हैं, जैसे कि NGOs, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। डेजिग्नेशन, आपके डेजिग्नेशन से डायरेक्टली लिंक होता है स्किल लेवल। असिस्टेंट, अटेंडेंट, ड्राइवर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, आप किस डेजिग्नेशन के अंदर काम करते हैं वो आपके स्किल लेवल सेट करते हैं। स्किल लेवल में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड, क्लरिकल वर्क, आप किसके अंडर आते हैं। एरिया या जोन, ABC सेंट्रल डिवाइडेड इन एरिया लाइक Area A, Area B, Area C और स्टेट डिवाइड किया जोन में, जैसे कि Zone A, Zone B, Zone C। आप आते हैं नोटिफिकेशन 186E जो 19 जनवरी 2017 में आए थे। यहाँ पे इंडस्ट्रीज वाइज, सेक्टर वाइज अलग अलग करके दिया गया है, जैसे कि ये एग्रीकल्चर के लिए है। एग्रीकल्चर के लिए नीचे यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज, कैटेगरी वाइज स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, यहाँ पे एरिया वाइज दिया हुआ है Area A, Area B, Area C। अब नीचे आते हैं ये माइंस के लिए, माइंस के लिए भी कैटेगरी वाइज स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, यहाँ पे अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड ये दिया हुआ है। नीचे ये सारे इंडस्ट्रीज अलग अलग करके दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, आप समय करके कभी पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जोन भी भाग किया गया, यहाँ पे एरिया भी डिवाइड करके दिखाया गया, कौन सी एरिया, कौन सी जगह किस एरिया में आते हैं। ये गया नोटिफिकेशन 186E। अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आए हैं 8 मई को, वो हम देखते हैं। ये 8 मई को आए हैं नोटिफिकेशन, इसमें ये एग्रीकल्चर के लिए आपका ये जो VD है, वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस, जो अभी है पर डे वाइज, एरिया ए में अनस्किल्ड लेबर के लिए 67 है, एरिया बी में अनस्किल्ड लेबर के लिए 62 है, सेमी स्किल्ड एरिया बी में 67 है, एरिया सी में 62 है, हाईली स्किल्ड एरिया ए में 88 है, एरिया बी में 82, एरिया सी में 74, ऐसे करके यहाँ पे सारी कुछ दिया हुआ है। ये है वेजेस प्लस
VDA जो यहाँ पे अभी रिवाइज हुआ है वो वाला पार्ट यहाँ पे वर्जेस के साथ ऐड किया गया, ये पार्ट डे वाइज है। इसको हम अच्छे से एरिया वाइज कैटेगरी वाइज दिखाया, क्या ओल्ड था क्या न्यू आए हैं, कितना डिफरेंसेस है, ये सारे आप जान पाओगे। हमने एक एक करके यहाँ पे सब कुछ दिखाया। ये एग्रीकल्चर के लिए है, एग्रीकल्चर में अनस्किल्ड के लिए, ये न्यू है, ये ओल्ड था, ये माइंस के लिए है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप किस एरिया में आते हो, आप कैटेगरी एरिया ये सारी चीज़ों के लिए आपको 186E नोटिफिकेशन देखना है। वो देखने के बाद आपका क्या वोएज होगा वो आप इसमें देखोगे। जब आप अपना मिनिमम वोएज क्या है, कौन सी एरिया है, ये सारी चीज़ चेक करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। जैसे कि आप डेजिग्नेशन, कैटेगरी, एरिया ये सारी चीज़ों की लिस्ट को 186E नोटिफिकेशन डेट 19 जनवरी 2017 में चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने पहले ही बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस और VDA चीफ लेबर कमिश्नर की तरफ से एडजस्ट होती है 6 महीना बाद, मीन्स साल में 2 बार, एक 1 अक्टूबर और एक 1 अप्रैल, ये हर साल होता है। अगर कोई स्टेट में एक एरिया में स्टेट गवर्नमेंट की मिनिमम वेज रेट ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड वो इंडस्ट्री और एरिया स्टेट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की मिनिमम वेज लगेगी। मिनिमम वेज की रेट में वीकली ऑफ इंक्लूड करके पर डे की रेट कैलकुलेट किया गया। सो अगर आप महीना के मिनिमम वेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पर डे मिनिमम वेज के साथ 26 मल्टीप्लाई करना होगा। लास्टली ये जो एरिया ए और एरिया बी दिया हुआ है, ये सिटी का पूरा जोन दिया हुआ है, यानी कि ये जो म्यूनिसिपल एरिया होते हैं उससे 15 किलोमीटर तक एरिया ए है और उसके बाद के एरिया बी और सी एरिया में कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे।